हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एएमयू डिप्लोमा के क्वेश्चन जो 10+2 के लिए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं अपने साइंस वाले टॉपिक में से, अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोगों का बायोलॉजी वाले सेक्शन में 17 में से 17 आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएँ, तो जो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप करके जुड़ जाना, ठीक है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे देखो, द करेक्ट सीक्वेंस बताना है आप लोगों को कि इसमें से अनएरोबिक यीस्ट में किस में होता है। तो ऐसी प्रोसेस देखने को हमको मिलती है इस वाली संरचना में, जिसे बोलते हैं हम ग्लूकोज जो होगा साइटोप्लाज्म में के ऊपर, साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाइरूवेट जो होगा ये एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी आएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच वन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो होता है 3 कार्बन वाला हमारे पास यौगिक होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प अमोंग द क्रिकेट दिस रिजल्ट ट्यू। तो आपको बता दें हमारे कन्वर्जन हो जाता है, जो पाइरूवेट एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट नंबर का आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रेकियल ट्यूब आर फाउंड इन। तो ट्रेकियल ट्यूब जो होते हैं ये मिलते हैं इंसेक्ट के अंदर। 7 वाला है गैस एक्सचेंज इन एनिमल ऑलवेज इन्वॉल्व। तो आपको बता दें एनिमल में गैस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा होगा डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन के द्वारा, गैसों का एक्सचेंज होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे रेफर द गिव वेन डायग्राम द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को देखना है। ये रेस्पिरेशन लंग्स है, ये रेस्पिरेशन और स्किन है, और यहाँ पर जी है। तो आपको ये पी पूछा गया है हमसे। देखो पी वाला जो होगा, पी वाला होगा फ्रॉग, क्योंकि ये स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा दोनों के द्वारा क्या कर सकता है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकता है फ्रॉग। 9 वाला जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देखिए और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ो, 10 वाला विच ऑफ द फ्लोमिंग प्रिवेंट कोलेप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये मिलती है कार्टिलेजिनियस रिंग मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी वाला आएगा इसमें, 4th वाला। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे आपको। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू रेस्पिरेशन ट्रैक। तो ये 11 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होती है जिस समय हम फूड वगैरह लेते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, तो उस समय ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये क्लोज करने का काम करता है। फेरिंग्स ओपन इनटू लेरिंग्स बाय, तो ये किसके द्वारा होगा? तो आप बोलेंगे ये ग्लॉटिस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नैरोस्ट एंड मोस्ट अबुडेंट ट्यूब ऑफ लंग्स आर। तो आप लोगों को बता दें लंग्स के अंदर ये मिलती हैं ब्रेंक्योल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए आएगा। ऑक्सीजन इज लंग्स अल्टीमेट रीच। तो आपको बता दें जो ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ पर भेज दी जाएगी? एल्वियोलाई में भेज दी जाएगी, और एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज किया जाता है। इन ह्यूमन साउंड इन प्रोड्यूस्ड बाई, तो ह्यूमन के अंदर जो साउंड निकलता है वो निकलता है स्किन थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लैरिंग्स, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाई, तो लंग्स के चारों तरफ मिलती है एक कवर्ज, एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको प्लूरल सैक कहा जाता है। सेकंड आएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर पर विच वन प्रोटेक्ट द लंग। तो लंग जो होता है वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन सभी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चार्ट है, ये चार्ट में से ये देखना है कि सही चार्ट कौन सा है। तो मुझे जो सही चार्ट लग रहा है इसमें, ठीक है, वो ये वाला लग रहा है, नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया, उसके बाद में एल्वियोलाई। तो 4 वाला जो है ये मुझे एकदम इसका राइट आंसर लग रहा है, और यही इसका आंसर है। थोरैसिक कैविटी इज इनलार्ज बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसके द्वारा होगा? तो आपको बता दें कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर ए बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये दिखाई देते हैं, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इसमें आएगा आंसर 4th वाला। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम। तो आपको बता दें उस समय क्या होता है, 20 वाला आंसर है इसमें, 20 वाला, ठीक है। तो 20 में आप लोग बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक्सपिरेशन इन्वॉल्व, तो एक्सपिरेशन जो होता है इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? तो बोलेंगे रेस्पिरेशन में, मतलब सांस लेना, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें जो होगा एक्सपिरेशन, इसमें ऑप्शन ए जो होगा फर्स्ट वही है। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा था मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कार्बन
सॉरी बाई कार्बोनेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। इन वर्टिब्रेट ब्लड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरियर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो आपको बता दें जो टिश्यू है ये ऑक्सीजन को कैरियर करने का जो काम करेगा वो करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है, ये भी आप ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोविंग गैस हैज़ हाइएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है कनेक्ट करने की, ठीक है, तो वो होगी इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखो, तीस वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। तीस वाला है, इफ ए मैन फ्रॉग सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक द पैक देन। तो आपको बताना, अगर कोई व्यक्ति एवरेस्ट के हर बार चढ़ता है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी जो हार्ट ब्रीथ है, ठीक है, सांस जो लेता है वो रेट बढ़ जाएगी और हार्ट ब्रीथ जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में बहुत आते हैं। तो मैंने रेस्पिरेशन का करा दिया, अब इससे आगे आप लोगों को सर्कुलेशन का भी मैं साथ के साथ करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विलियम हार्वे इज़ नो फॉर डिस्कवर्ड ऑफ। तो विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आएगा फर्स्ट वाला आ जाएगा। आगे है, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट ब्लड। तो ब्लड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो देखिए। तो आप बताएंगे ब्लड जो होगा, जैसे ब्लड है तो ब्लड में प्लाज्मा भी होगा, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये ब्लड के अंदर मिलती हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे, ब्लड स्ट्रेन वेयर फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम इफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज टू बी यूज फॉर कन्विक्शन विच ऑफ द फ्लोविंग कैन बी यूज। किसको हम यूज कर सकते हैं? चार आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एरिथ्रोसाइट दे रखा है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के बाद ल्यूकोसाइट दे रखा है, ल्यूकोसाइट के बाद आप लोगों को दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा पता है, प्लेटलेट्स है सीरम है। तो आपको बता दें एरिथ्रोसाइट्स प्लेटलेट्स के अंदर सीरम के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ल्यूकोसाइट के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसमें थ्री का आएगा सेकंड वाले का मतलब हो गया ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होती है WBC होती हैं और WBC के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आपने बता दिया है, आगे बढ़ें। केमिकल रिलीज बाय ब्लड प्लेटलेट इज। तो आपको बताएं प्लेटलेट जो है वहाँ से केमिकल निकलता है जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स क्या है? ब्लड सेल्स दैट इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जी कंडीशन लाइक अस्थमा आर, ठीक है, एलर्जी। तो इसमें जो आना चाहिए वो जो आना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ईओसिनोफिल्स आना चाहिए, क्योंकि एलर्जी से रिलेटेड जो होता है ईओसिनोफिल्स होता है। तो आंसर जो आएगा ईओसिनोफिल्स आएगा। और आपको बता दें ये एक विशेष प्रकार की WBC होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमल्स वेन डिफरेंट फ्रॉम आर्टरीज इज हैविंग। तो आपको बता दें जो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास जो होती हैं जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स के अंदर पता क्या मिलता है? पता होगा आप लोगों को, वेन्स के अंदर मिलता है इंटरनल वाल्व मिलते हैं, लेकिन आर्टरीज के अंदर इंटरनल वाल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज। तो कैपिलरीज आप लोगों ने नाम सुना ही होगा जी, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। तो आपको बता दें मोस्टली जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या ऐसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फोर चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन। तो दिल के अंदर चार चैम्बर जो होते हैं वो मिलते हैं मेमल्स के अंदर, ठीक है, फिश के अंदर दो होते हैं, स्नेक और एम्फीबियंस जो होते हैं इनके अंदर तीन होते हैं, और मेमल्स के अंदर फोर होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे, राइट एट्रियम ऑफ मेमल्स हार्ट रिसीव ब्लड इज। तो ब्लड जो होगा वो कहाँ से रिसीव किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे ये जो ब्लड है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, इन दोनों से क्या करेंगे, इम्प्योर ब्लड को डाला जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। आगे, मिट्रिक वाल्व इज मेमल्स गार्ड इन द ओपनिंग बिटवीन। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा आप लोगों का ये वाला आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रिक वाल्व।
ट्राइकप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें हमारा क्या आएगा आंसर आएगा ए वाला, तो इसका भी आप आंसर साथ ही साथ लगा लो, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलो, हार्ट इज कवर्ड बाई, तो हार्ट जो होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे उसे, पेरिकार्डियम कहा जाएगा, कहाँ चला गया जीरा, तो ये आ जाएगा पेरिकार्डियम में, ठीक है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फ्लोमिंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो होगी वो मिलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलेगी, ऑप्शन सब तरह का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है ये हृदय का पार्ट। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, तो जो ये मिलता है हमारे ऐसे नोड की तरफ मिलेगा, ऐसे नोड की तरफ, ठीक है। रोल ऑफ पेस मेकर इज, तो पेस मेकर जो होता है वो हमारे दिल की धड़कन को स्टार्ट करता है, तो इनिशिएटेड हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को क्या करेगा ये स्टार्ट करने का काम करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू, तो राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पर जाएगा, आपको तो पता होगा ये वाली बात, तो 20 वाले का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ऐसी आर्टरीज है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ से जो ब्लड होगा वो लंग्स की तरफ भेज दिया जाएगा, क्योंकि लंग्स में गैसों का एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। 21 पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट, मतलब कहाँ पर मिलेगा हमें, तो आप बोलेंगे ये मिलेगा हमको राइट एट्रियम में, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, तो 21 का फर्स्ट आ जाएगा। सिस्टोल कॉज्ड क्या है ये सिस्टोल, तो मुझे जो इसका आंसर लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, सिस्टोल जो होता है इसको बोलते हैं एग्जाइट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट थ्रू, तो कौन लेकर आता है लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आएगा, उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, When the right ventricle contract, the blood is pump is into right ventricle contracts करता है, तो ब्लड पंप कर दिया जाता है। 24 तो ये करा जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज होगी इसमें कर दिया जाएगा, और इस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ से जो ब्लड जो होगा वो लंग्स की तरफ डाल दिया जाएगा प्योर करने के लिए। द ब्लड लिविंग द लंग्स इज रिचर देन द ब्लड एंटायर द लंग्स इन, 25 वाला जो है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना, जो लंग्स से आता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। 52 वाला देख लो साथ के साथ, मैमल्स, क्या बोला मैंने, मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, इट मीन्स इसका जो आंसर है 32 वाला जो है, कौन सा 32 वाला, तो इसमें आएगा ब्लड सर्कुलेटेड ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग अन कंप्लीट वन सर्कल, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा फोर्थ वाला आंसर। इन एडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है लोगों के अंदर कितना होगा, तो बोलेंगे 120/80 mmHg, ये इसका होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। चलो आगे देखो, द इंस्ट्रूमेंट बाई विच ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज डिटरमाइंड, तो आपको बता दें ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10+2 वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पूरी पूछने की इसके अंदर क्षमता होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इन ह्यूमन विच ऑफ द फ्लोमिंग वेसल्स इज द ब्लड प्रेशर द हाइएस्ट, तो ब्लड प्रेशर जो मिलेगा वो किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा हाई, पता है आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, जो ऑर्टा है इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होगा ब्लड सबसे पहले प्योर ब्लड पंप किया जाता है इसमें। आगे बढ़ो, हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी मैन बीट नॉर्मली पर मिनट, तो एक मिनट के अंदर आप लोगों को बता दें जो हार्ट बीट होती है वो 70-80 times के लगभग रहती है, 36 वाला जो है तो इसका आंसर आएगा तीसरा वाला। आगे देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर हियरिंग हार्ट साउंड, तो दिल की जो वो है साउंड है उसे अगर सुनना चाहते हैं तो ये होगी स्टेथोस्कोप के द्वारा, डॉक्टर लोग देखे होंगे कान में लगाते हैं, कान में लगाने के बाद दिल की धड़कनों को सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसे। पल्स इज मेजर्ड इन,
तो आपको बता दें जो पल्स आप लोगों ने दिखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी मतलब पल्स दिखता है, तो एक आर्टरीज होती है जो हमारी कलाई में होती है, ठीक है ना, उसको चेक करेगा। विच ऑफ दीज हैज ए क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, तो क्लोज टाइप का जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा इसके अंदर, फिश में, मोलस्क में, कॉकरोच में, स्कॉर्पियन में, इनमें होगा क्लोज्ड वाला, ठीक है, नहीं ओपन वाला होगा, लेकिन फिश में क्लोज वाला होगा, ठीक है। वन टाइप ऑफ वास्कुलर सिस्टम इज प्रीडोमिनेंट इन, 40 वाला, तो 40 वाले का जो आंसर जो आएगा वो ये वाली आएगा, ऑर्थोपोड्स वाले, ऑर्थोपोड्स। सर्कुलेशन इन हुमेन, तो हुमेन के अंदर होती है, डबल सर्कुलेशन होता है और क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर, हेयर वेन कब करेगा आपको बता दें, 42 वाला जो है ये फर्स्ट वाला इसमें आंसर आ जाएगा, ये वाला, अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन इज सॉल्यूशन इन द सेल ऑफ हाई, सेल सेप इन हाई, ये वाला आ जाएगा। द प्रिंसिपल पदवे बाई विच वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन एंजियोस्पर्म, तो किसके द्वारा किया जाएगा ये, एंजियोस्पर्म बोला है ना, हाँ जी, तो इसमें आंसर जो आएगा 43 का, 43 का जो आंसर आएगा ये आएगा जाइलम, वेसल सिस्टम, ठीक है, जाइलम जो दिए ट्रांसफर करती है वाटर को। आगे देखो, द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब, मोस्ट कॉमन इन द फॉर्म ऑफ, तो आपको बता दें इसमें जो आंसर आप लोगों का आएगा 44 वाले का, वो आएगा तीसरा वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो भेजा जाता है ना, फूड भेजा जाता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में भेजा जाता है। आगे, विच ऑफ द फ्लोबिंग कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीव्स ऑफ द टॉल ट्री, वाटर ग्राउंड ऑफ द लीव्स टू टॉल ट्री, तो ये जो आंसर आना चाहिए इसमें 45 वाले का, वो आएगा सेकेंड नंबर का, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, कोहेसन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ये हमारा ऑप्शन बी जो है 45 वाले का आंसर आ जाएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों का जो वो होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन ए आएगा 46 का, ठीक है, 46 का ए आएगा। 47 की तरफ बढ़ते हैं, द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट विल बी लोएस्ट वेन देर इज हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर, तो आपको बता दें इसमें फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब है, ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है अगर हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है तो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होगा, ऑप्शन ए आएगा। विच ऑफ द फ्लोबिंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, कोई एक फंक्शन ऐसा है जो नहीं होगा, ठीक है, 48 वाला है, तो बोलेंगे एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल, मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज नहीं किए जाते। लास्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कॉलम टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं, क्या करने हैं, मैच करने हैं, देखते हैं, चलो बढ़ते हैं। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन रेस्पिरेशन आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द हार्ट, तो ये आएगा फ्रॉम द हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। थिन वॉल, तो वेन्स के अंदर जो होगी थिन वॉल्स होंगी, कंडक्ट वाटर, तो ये आ जाएगा इसमें जाइलम वाला आ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स इसमें ये वाला आ जाएगा, तो ये इस तरीके से मिलान कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो इसी में एक टॉपिक और आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्सक्रीशन वाला टाइप है ना, तो बताओ एक्सक्रीशन जो होता है ये कौन सी प्रोसेस है, पता होनी चाहिए ये वाली प्रोसेस, तो तुम लोगों को ऐसी बात तो है नहीं पता होगी, बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस जो होंगे उसको रिमूवल करते हैं ना, तो इसमें आंसर आएगा रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस एंड हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। एक्सक्रीटरी मेटेरियल आर फाउंड इन, तो आप बता दें एक्सक्रीटरी मेटेरियल आर फाउंड इन, तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ये हाँ जी फोर्थ नंबर का आएगा, इसमें टू का फोर्थ नंबर, एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एस, तो थ्री वाला जो है इसमें आएगा अमोनिया इन टेडबुल एंड यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग, तो ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला है यूरिक एसिड इज एक्सक्रेटरी मटेरियल इज,
तो आपको बता दें यूरिक एसिड जो होता है वो कहाँ से निकलेगा, तो बोलेंगे यूरिक एसिड रेप्टाइल्स निकालते हैं। तो सेकंड आ जाएगा विच वन इज यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड आ जाएगा, जो कि आप लोग बताएंगे कि जो हमारे पास होती है लिजार्ड एंड बर्ड, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। लिजार्ड मतलब जो होता है रेप्टाइल्स है, बर्ड में भी यूरिक एसिड जो होता है वो रिलीज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लॉमिंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है देखते हैं। देखो नेफ्रिडिया अर्थवर्म में होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। और फ्लेम सेल्स जो होती हैं ये प्लेटी हेलमंथीज में होती हैं, ना कि बर्ड में, तो ये वाला जो होगा इनकरेक्ट होगा सेकंड नंबर का, क्योंकि उसने इनकरेक्ट बोला है, गलत पूछा तो यही गलत है। कॉकरोच द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, तो कॉकरोच जो होते हैं वो क्या रिलीज करेंगे, कॉकरोच जो होते हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, तो यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में जाएगा ये। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स, तो मैमल्स जो होते हैं वो क्या निकालेंगे, मैमल्स यूरिया को रिलीज करते हैं, तो यूरिया आएगा इसमें। नाइन वाला देखो द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेंट, तो यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर, ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें। फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लेडर ओपन इनटू, दस वाला है ओपन इनटू, तो आप बोलेंगे यूरेथ्रा, क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, यूरिनरी ब्लेडर जो होगा वो ओपन होगा यूरेथ्रा के थ्रू और बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाएगा। यूज इन यूरिया, हाँ यूरिया इज फॉर्मेड इन लिवर फ्रॉम, लिवर फ्रॉम, तो अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो जाता है। यूरिया इज ए ट्रांसपोर्टेड बाई, तो यूरिया को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो आप बताएंगे प्लाज्मा के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। लूप ऑफ हेलेन अकर इन, तो ये कहाँ पर मिलेगा हमको, तेरे वाला जो है ये हेलेन लूप जो होते हैं ये मिलते हैं मेडुला वाले भाग में, किडनी के अंदर मेडुला वाला पार्ट होता है, यहाँ मिलेंगे ये। मेल्पिगी बॉडी अकर इन, तो मेल्पिगी बॉडी जो होगी किधर की साइड में मिलेगी, ये भी आप लोगों को बताना होगा, है ना। तो इसमें आंसर आपका जो आएगा वो आएगा ये वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट आएगा, मेल्पिगी बॉडी कॉर्टेक्स की तरफ मिल जाएगी, है ना। पार्ट नॉट बिलोंग टू यूरिनरी फेरस ट्यूब इज, कौन सा पार्ट ऐसा है जो यूरिनरी ट्यूब के अंदर नहीं आता, तो इसमें पंद्रह वाले का जो होगा फर्स्ट वाला है, ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है, ठीक है। अरे भाई आगे देखो, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना भाई, तो बड़ा मेहनत से वीडियो बन रही है ये। द टू किडनी लाइन लाई इन मेंस, सोलह वाला है, तो इसमें आंसर आएगा तीसरा, लेफ्ट किडनी जो होती है एट ए हायर लेवल देन द राइट वन, तो इसमें आंसर जो आएगा ये वाला आंसर आ जाएगा तीसरा, मैच करना है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को मैच करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है। आगे देखो मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज, तो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन जो होता है पता है आपको क्या है, तो ये होता है फिल्ट्रेशन इन ब्लड, क्योंकि यहीं पर ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। आगे लिक्विड विच कलेक्ट इन द कैविटी ऑफ वुमेन कैप्सूल, तो 19 वाले का जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, ए ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, ठीक है। आगे द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी करेक्टर स्टेडियम ऑफ क्लास मेमिलिया एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन इन, तो 20 वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा ये लूप ऑफ हेलन, ये आ जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, तीसरा वाला है, हेलेंस लूप बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर इज करैक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये प्रॉपर्टी जो देखने को मिलती है ये इसमें देखने को मिलती है पीसीटी, और पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूबल। मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब ऑफ यूजफुल सबस्टेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अकर इन, 22 का आएगा ये वाला, तीसरा ही आएगा इसमें भी, ठीक है। अगला है द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व, 23 वाला जो है इसका आंसर जो होगा पता है क्या होगा, ये होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यूरिन तभी बनेगा, फिल्टर किया जाएगा। मिक्सचुरेशन इज, तो ये तो होगा पासिंग आउट यूरिन, 24 का तो जो मुझे लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, तीसरा वाला लग रहा है, मूत्र श्रावण कहा जाता है इसे। Which one is not the function of kidney? किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं होता, ये आप लोगों को बताना है। 25 का जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा,
किडनी जो होती है सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया को सिंथेसिस करने का काम लिवर का होता है, ठीक है। द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ द वर्टिब्रेट इज ड्यू टू, तो जो कलर होता है येलो ये होता है यूरोक्रोम के कारण, तो ऑप्शन सेकंड वाला जो होगा वो सही आएगा। ए कंडीशन इन विच बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन रिलेटिवली कंसिस्ट विद इन लिमिट इज कॉल्ड, तो 27 वाले का जो होगा वो आंसर आ जाएगा होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस जो होगा आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ए डी एच एक्ट ऑन द, तो ए डी एच क्या होता है क्या पता है आप लोगों को? ए डी एच जो होता है ये होता है कलेक्टिव ट्यूब ऑफ किडनी, ठीक है। इस पर काम करता है जिससे कि यूरिन को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा कि कितना यूरिन निकलना चाहिए, कितना कम निकलना या ज़्यादा निकलना चाहिए। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई, तो 29 वाला जो है वो होगा ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट जो होते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो यहाँ पर आप लोगों का जो आना चाहिए 30 वाले का वो आना चाहिए CO2 और वाटर, ठीक है। तो आंसर आएगा ये वाला, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रेस्पिरेशन के मैंने करा दिए, प्लस ब्लड सर्कुलेशन के करा दिए, प्लस एक्सप्रेशन के भी करा दिए। तो तीन टॉपिक को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था न्यूट्रिशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में और डाइजेशन के बारे में, ठीक है। इन सभी को फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं, तो पहला पार्ट अपलोड हो चुका है उसे आप देख लेना। सेकेंड पार्ट ये है, इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर को कराऊंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आएँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।